किया होगा, आज हम जा रहे हैं नाइकी के फैक्ट्री आउटलेट। एंड ये आउटलेट जो है ये छतरपुर में है, इसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो हम वहीं जा रहे हैं एंड वहाँ पे देखते हैं कैसी कलेक्शन है, एक्सप्लोर करते हैं कैसे डिस्काउंट है, क्या ऑफर्स है। सो सब इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे साथ में। सो बिना देरी करते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। नहीं नहीं, हम चलते हैं नाइकी स्टोर की तरफ। नाइकी स्टोर में घुसते ही हमने सबसे पहले टी शर्ट्स देखी। डिफरेंट कलर्स में टी शर्ट लगी हुई थी, सब पे 20% ऑफ लगा हुआ था। इसमें साइजेस की थोड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद जो हमने देखा वो थी जिम लेगिंग्स, योगा लेगिंग्स, शॉर्ट्स, एंड ये सब आपको आगे दिखेगा जो हमने ट्राई वगैरह किया। इधर जैकेट्स की भी बहुत वैरायटी थी लेकिन विंटर्स जा रही है तो उसका कोई यूज़ नहीं था। बाकी बैग्स थे, जिम बैग्स थे, नॉर्मल बैग्स थे, सॉक्स थी, कैप्स थी जो नॉर्मली हर नाइकी स्टोर पर अवेलेबल होती है। ज़्यादा डिस्काउंटेड ऑफर्स इधर नहीं थे, कंपैरेटिवली उतना ही प्राइस था। सिलेक्ट करी आइटम्स अपने लिए लेकिन मोस्ट ऑफ द आइटम्स में तो साइज ही नहीं मिल रहे हैं, इतने ज़्यादा कम साइजेस हैं। मैंने भी यही सिलेक्ट किया है एंड आई एम सर्चिंग फॉर सम साइजेस क्योंकि स्मॉल तो है ही नहीं, मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज ज़्यादा है। मैं ये सब लेके आई हूँ ट्राई करने के लिए। तो एक मैं ये लेके आई हूँ ट्राई करने के लिए, इसका बैक पॉकेट साइज जो है वो मीडियम है तो काफ़ी लूज लग रहा है मुझे ये मेरे पे। ये तो मैंने ये ट्राई किया लेकिन ये टॉप तो फिर भी लुक्स गुड, बट जो ये है वाहियात इज द वर्ड फॉर इट, लुक्स हॉरिबल। तो ट्रैक पैंट्स आर ऑल सी थ्रू एंड इट लुक्स हॉरिबल। नाइकी की कभी भी इतनी वाहियात कलेक्शन होती ही नहीं है। जितनी भी कलेक्शन देखी है उसमें मुझे ये ट्रैक पैंट्स की फिटिंग बहुत अच्छी लग रही है। कलर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है लेकिन मुझे पसंद आ रही है। सो मैं कन्फ्यूज हूँ कि इसको मैं खरीदूँ या ना खरीदूँ। बाकी मैं शॉर्ट्स वगैरह लेकर आई हूँ, इसमें तो मुझे लार्ज लेना पड़ा, बॉयज सेक्शन से निकालना पड़ा, बट मेरे साइजेज ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मोस्टली मीडियम एक्स्ट्रा लार्ज लार्ज साइजेज हैं, स्मॉल साइजेज लाइक दिस वन, बट इसमें साइज ही नहीं है इनके पास। इसमें साइज़ नहीं था लेकिन फिर भी मैंने ट्राई कर ली, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है किसी की मांगी हुई शॉर्ट्स पहने हुए। मुझे तो मेरे ही कपड़े बेस्ट लग रहे हैं यहाँ पे। सो क्लोदिंग वगैरह की कलेक्शन देखने के बाद वी वेंट टू द शूज़ कलेक्शन। ऑब्वियसली नाइकी के शूज़ है तो कलेक्शन तो बढ़िया होगी ही। दिस ब्लैक वन कॉस्टेड 14,000, इस पे 20% ऑफ था। ये सब रनिंग शूज़ की कलेक्शन थी और काफ़ी क्लासी थी। सो शूज़ की कलेक्शन के लिए तो अ बिग थम्स अप फॉर द स्टोर। बट हाँ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस फैक्ट्री स्टोर में आपको बहुत हेवी डिस्काउंट्स मिलेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 20% ऑफ था। दिस शूज़ कॉस्टेड 4,000 रुपीज़, बट ये यंग एथलीट्स के लिए थे। सो मेरा जो साइज़ है पैरों का काफ़ी छोटा है तो मुझे तो आ जाते हैं किड्स कलेक्शन में से भी। सो ये काफ़ी क्लासी लगे। उसके बाद मैंने देखे ये पिंक कलर वाले, ये जो पिंक कलर के शूज़ थे, ब्लैक एंड पिंक का कॉम्बिनेशन, ये इट वाज जस्ट ऑफ ₹1500। सो ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस था एंड इसका प्राइस था ₹1500। ऐसे काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी स्नीकर्स की, रनिंग शूज़ की, ट्रेनिंग शूज़ की। सो काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी। सो या बिग थम्स अप टू दैट कि यहाँ पे शूज़ की कलेक्शन तो काफ़ी अच्छी थी।
और मुझे एक ये वाइट वाले भी काफ़ी अच्छे लगे, ये काफ़ी क्लासी लग रहे हैं देखने में, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इसमें प्राइजेस लिखे नहीं हुए थे, बट इट वाज यू नो 20% ऑफ था। एक ये इसमें रीबॉक में भी ऐसा सेम आता है, तो ये भी मुझे काफ़ी प्यारे लगे थे। ये दिस वन कॉस्टेड फॉर 10,000 रुपीज़, ये 10,000 के थे एंड आई थिंक 20% ऑफ में थे। सो या शूज़ के लिए तो बिग 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 थम्स अप टू दिस नाइकी फैक्ट्री आउटलेट। We are out of this Nike store and now हम Select City Walk जा रहे हैं। Select City Walk का मैं जो ब्लॉग है वो अगली ब्लॉग में कंटिन्यू करूंगी, अगले पार्ट में कंटिन्यू करूंगी। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू मेरे चैनल। अगले